आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 564वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं सिवनी शहर के उत्तर पूर्व में बबरिया तालाब के पास, सिवनी की तरफ जाने वाला ये रास्ता। और आगे आप अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसके पैरेलल ही जाते हैं तो बीजावाड़ा आप चले जाते हैं। यहाँ हमारे पीछे अब हम आपको अगर दिखाएं तो ये फिल्टर प्लांट, एक शहर के अंदर जो फिल्टर प्लांट बना हुआ है, इस तरफ हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे बबरिया तालाब की मुंडेर दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा नगर पालिका परिषद के द्वारा शंकराचार्य पार्क यहां बनाया गया था लाखों रुपए खर्च करके। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब इस शंकराचार्य पार्क को यहां पर बनाया गया था, अस्तित्व में लाया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के उनके नाम से इस पार्क का नाम दिया गया था। पार्क की दशा क्या है यह आप देख सकते हैं, मिट्टी के ढेर यहाँ पर डाल दिए गए हैं, पानी भरा हुआ है। जो भी स्ट्रक्चर उस दौरान खड़े किए गए थे वो स्ट्रक्चर अब दब चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ठीक पीछे हल्का सा आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इस पार्क में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था, वो ब्रिज आपको वहां दिखाई दे रहा होगा। ब्रिज तक कैसे पहुंचा जाएगा एक प्रश्न यही है, क्योंकि यहां भी मिट्टी डाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के शासित नगर पालिका के द्वारा ये सब काम कराए गए थे। शंकराचार्य पार्क में उगी खरपतवार और बेकार के जो पेड़ हैं वे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिलाधिकारी के द्वारा आवारा मवेशियों को हटाने की बात कही गई, और यहाँ आवारा मवेशी अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आवारा मवेशी आपको किस तादाद में दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह आपको आवारा मवेशी दिखाई दे रहे होंगे। बहरहाल अब हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं कि ये इसका द्वार है, और इस द्वार के पास ये सिवनी में एक चलन कुछ सालों से चल पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर बियर का कैन पड़ा हुआ है, शराब की बोतलें अंदर बहुत आयत में पड़ी हुई हैं। अगर ऊपर भी हम दिखाएं तो ऊपर भी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर खुले आहते बना दिए गए हैं सिवनी में। जहाँ भी आप जाएंगे आपको एक खुला आहता मिल जाएगा, जहाँ पर बैठ के मैजदे शराब पीते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं, उन्हें किसी का डर नहीं। यहाँ से अगर हम इस तरफ आपको लेकर चलें तो ये वाला रास्ता हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शंकराचार्य पार्क में आप शराब की पानी के पाउच, शराब की बोतल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये प्रवेश का रास्ता, और यहीं आप ये देखेंगे अगर तो मिट्टी के ढेर, इस तरफ भी मिट्टी का ढेर। एक बार फिर शंकराचार्य पार्क में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द करने की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका परिषद के द्वारा इस शंकराचार्य पार्क को बनवाया गया था करीब डेढ़ दशक पहले, एक से डेढ़ दशक पहले, और लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे। जब यहाँ पर ये काम चल रहा था उस दौरान कांग्रेस चीख चीख कर कहा करती थी, कांग्रेस के द्वारा चीख चीख कर इस बात को कहा जाता था कि यहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो काम, जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं शंकराचार्य पार्क में, वो सारे काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस सत्ता में है एक साल से नगर पालिका में। ये इस पूरे मामले को जो यहाँ पर ये चलाया जा रहा है, ये मिट्टी डाली जा रही है, या फिर यहाँ पर शंकराचार्य पार्क के नाम पर जितना पैसा खर्च किया गया था वो पूरा का पूरा पैसा अब कांग्रेस चाहे तो उसकी जांच करा ले, पर एक साल में जांच नहीं कराई गई। मॉडल रोड
कांग्रेस चीख चीख कर कहा करती थी कि मॉडल रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। जलावर्धन योजना, कांग्रेस चीख चीख कर कहती थी कि जलावर्धन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। पर इस सब के बाद भी अभी ना मॉडल रोड की जांच, ना जलावर्धन योजना की जांच, ना ही इस शंकराचार्य पार्क में जो भी भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के द्वारा कही जाती थी, इस बारे में भी कांग्रेस पूरी तरह मौन है। जब तक विपक्ष में कांग्रेस या भाजपा रहती है, तब तक चीख चिल्ला कर वे बताते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पर जैसे ही सत्ता की कमान उनके हाथ में आती है, वैसे ही वे इस पूरे मामले में मौन हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, सबकी मिली जुली नूरा कुश्ती ही इसे माना जा सकता है। शंकराचार्य पार्क एक बार फिर आपको हम दिखाएं, मिट्टी के ढेर यहाँ पर दिख रहे होंगे और नए सिरे से यहाँ पर एक बार फिर पैसा बहाने की तैयारी नगरपालिका परिषद के द्वारा की जा रही है। शंकराचार्य पार्क जो यहाँ पर बनाया गया है, इस शंकराचार्य पार्क कितना पैसा खर्च किया गया है, सोशल ऑडिट की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इस जो भी यहाँ पर जिले भर में काम कराए जा रहे हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके दूर दिखाएंगे तो वहाँ पर मैजदे आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। देखिए आप, वहाँ पर ये स्थिति है सिवनी में, लूणा सिवनी थाने के अंतर्गत आता है, पर यहाँ आप ये कहा जाए कि आपको खुली छूट है, आप यहाँ बैठकर जो मर्जी वो कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। लाखों रुपए खर्च करने के बाद आज कांग्रेस सरकार में है नगरपालिका, दो विधायक कांग्रेस के हैं, बरघाट और लखनादौन, योगेंद्र सिंह लखनादौन, बरघाट के विधायक हैं अर्जुन सिंह काकुलिया। पर इस भ्रष्टाचार के मामले में, मॉडल रोड के भ्रष्टाचार के मामले में, जलावर्धन योजना के भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह मौन है कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का जिला और नगर संगठन, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, वे मौन है इस मामले में। वे इस शहर के वाशिंदे हैं, पर शहर के मामले में वो मौन क्यों है? इमरान पटेल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष, वे मौन है शहर के मामले में, आखिर उनके मौन का क्या कारण हो सकता है? दो विधायक हैं कांग्रेस के, दोनों मौन हैं इस सारे भ्रष्टाचार के मामले में। ये सारे, चूंकि एक दशक पुराना ये मामला हो गया है, यहाँ जो कुछ भी भ्रष्टाचार किया गया था वो खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। मॉडल रोड खुर्द-बुर्द कर दी गई है, मॉडल रोड के ऊपर अब फिर नई सड़क बनना आरंभ हो रही है। जलावर्धन योजना क्या मूल स्वरूप था, किस स्वरूप में पहुंच गई है? कांग्रेस के दो विधायक, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का नगर संगठन, जिला संगठन, सभी मौन हैं। आखिर सिवनी के निवासी होने का फर्ज आप कब अदा करेंगे? लोग, कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि प्रश्न हमसे क्यों, प्रश्न आपसे इसलिए कि जब आप विपक्ष में थे तब आपने इस मामले में खूब चीख चीख पुकार मचाई थी। आज अगर कांग्रेस शासित नगरपालिका भ्रष्टाचार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। आज नगरपालिका परिषद अगर कोई गलत काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नगरपालिका के मामले में मौन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय के जो विधायक हैं सिवनी विधानसभा के, दिनेश राय, वे नगरपालिका के मामले में मौन है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल उत्तर दक्षिण, संजय सोनी, अभिषेक दुबे, वे दोनों मौन हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, वे नगर पालिका के मामले में मौन है। आखिर आप सिवनी के नागरिक होने का फर्ज कब अदा करेंगे? आपके मॉडल रोड, जलावर्धन योजना, इन मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, हम नहीं कहते, कांग्रेस चिल्लाकर चीख कर कहती थी, और अब वे ही कांग्रेस के नुमाइंदे जलावर्धन योजना के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ठेकेदार को दे रहे हैं, तो क्यों? ये आपके सामने शंकराचार्य पार्क की स्थिति है। सिवनी के नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए। आप किसी दल के सदस्य हैं, उसके साथ में आप सिवनी के नागरिक भी हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 564वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी के लालटेन के 565वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।